गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। तो फिर से स्वागत है और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ सीधा बाड़ में। आज से हमारा दुकान बंद है क्योंकि 15 तारीख को पालिका मार्केट बंद रहता है। तभी मैं जियो में काम करता हूँ तो दुकान वाले की छुट्टी है, मेरी छुट्टी है नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा। छतरी मैंने ले ली है क्योंकि बाहर एक्टिविटी करनी है। तो अभी मैं निकलता हूँ सीधा दुकान के लिए। अभी 9 बज चुके हैं, भाई पीछे आएगा, मैं पापा जी के साथ जा रहा हूँ। वैसे तो छुट्टी रखने का मूड था लेकिन कंपनी वाला ने मना किया कि भाई छुट्टी नहीं रखनी है, तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, आज का करते हैं ब्लॉग शुरू, तो चलते। तो मैं आया था पापा जी को छोड़ने के लिए काम पे। पापा जी काम करते हैं यहाँ, कम से कम मजदूरी करते हैं। मैं पहले छोड़ दिया, उसके बाद मैं निकला सीधा बात के। दुकान बंद है, बाइक थोड़ा लेट आएगा तो मैं पापा जी के साथ आया। पापा जी को मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं बाइक लेके चले जाऊँगा मार्केट। पापा शाम को 6 बजे पापा जी छुट्टी हो जाएगी तो मैं पापा जी को लेने आ जाऊँगा। फिर अभी तो वैसे 9:30 हो गए, सब मैं कंपनी वाला का कॉल, तो कॉल आ रहा है भैया जल्दी आओ वहाँ आ रहे थे। चलिए मैं निकलता हूँ सीधा। मैंने छतरी है जो लगा दी है, यहाँ पे सब्जी वाले भैया है, बाकी कंगूर वाले भैया बैठे हैं। दोनों अपने दोस्त ने छतरी यहाँ लगा दी है। ये आज मेरा मार्केट बंद है पलका बाजार और बाड़े में देख सकते हो, भीड़ भाड़ जैसे कम ही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। सब लोग बच चुके हैं और जो कस्टमर है आपके मैंने छतरी के साथ लगा दी है। वैसे भी कस्टमर आते हैं तो किसी करते हैं, उसके बाद 5:30-6 बजे के आसपास घर जाना है। पापा जी वहीं बाहर जाना है तो उन्हें बाइक चाहिए, तो मैं लेट में जाऊँगा उनको। तो अभी तो अभी 12 बज चुके हैं, ना कोई नंबर हुआ है ना कोई कस्टमर आया है। सुबह 9:30 बजे आके मैं यहाँ बैठा हूँ और आज का वीडियो अपलोड करना था तो बाइक लेकर भैया अपने दोस्त ही है। तो अभी बैठे बैठे होते हैं, वो चाय पी ली है, दो बार खाना खाना था, घर से सुबह जल्दी निकला था, पापा जी को छोड़ना था, उसके बाद सीधा आ गया यहाँ बैठे भैया। हम लोग जाते हैं, देखते होता है ठीक है, वरना मैं निकल जाऊँगा घर के लिए। फिर रात के अटैन मैं ब्रेक मारनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अभी क्या होता है देखते हैं। दोस्तों अभी 2 बज चुके हैं, कब से मैं यहीं बैठा हूँ, ना कोई भीड़ भाड़ है, ना कोई कस्टमर है, ना ही कोई जियो मेरा का नंबर हुआ है। अभी सब्जी वाला भैया गया है रोटी खाने, और रोटी खाने के बाद वापस आता है, तब तक हम बच्चे गाने के जैसे अभी जियो वाले हैं तो उनसे 1.25 किलो और वो 2 किलो, उसको 50 रुपये किलो। कोई कस्टमर आए तो फिर हम बैठे यहीं गया शाम की दुकान पे खाना खाने। 2 बज चुके हैं, मैंने अभी सभी कुछ खाया नहीं है, हम भी जाएंगे कुछ नाश्ता करके आ जाते हैं। चले भैया कोई कस्टमर आए जिसका वेट करते हैं, नहीं हो तो फिर 5:30 बजे के आसपास जाऊँगा पापा जी को लेना है। पापा जी को लेके पापा चला जाऊँगा घर। 2 दिन से कुछ जियो में हो नहीं रहा, ना कोई नंबर हो रहे ना कुछ हो रहा है। देखते हैं आज पूरे दिन क्या होता क्या नहीं होता, कोई कस्टमर आए तो बड़ा चलता, नहीं तो फिर 5:30 बजे निकलते हैं घर। ये कई घंटे से हम यहीं बैठे हैं, सुबह से कुछ हुआ नहीं है, कुछ लगा के बैठ बैठे थक गए हैं। हाँ भैया जी कर रहे हैं काम, ना कोई भीड़ भाड़ है, बैठे बैठे होते बोर हुई क्या करें। तो फिर थोड़ी देर तो 2:30 बज चुके हैं, ना कोई माहौल गर्मा गर्म, जैसे आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, थोड़ी सी धूप है, हल्का बादल ही बादल है। 2:30 बज चुके हैं, थोड़ी देर बाद में पापा जी का कॉल आ जाएगा, 5 बजे 5:30 बजे तक मैं पापा जी को लेने चला जाऊँगा, उसके बाद चले जाएंगे घर। फिर पापा जी को शाम को कहीं जाना है बाहर तो चले जाएंगे। चलिए दोस्तों अभी हम भी
जियो स्टोर, अभी कुछ देर के लिए जियो स्टोर बैठा हूँ। वैसे 5:30 बज चुके हैं तो थोड़ी देर बाद मैं निकल जाऊँगा घर के लिए। आज मार्च बंद है तो बहुत जल्दी जाते हैं घर पर, तो थोड़ी देर आराम देखते हैं आप ये कदम नंबर ठीक है नहीं तो फिर मैं निकल जाता हूँ घर। तो चलिए पापा जी करते हैं, देख रहे हैं पापा जी का भी फोन करते हैं, अगर मैं आई तो मैं चलता हूँ तो देखते क्या होता। 9 बजे आया था मैं पार्ट में, 9:30 बजे मैंने छुट्टी लगा दी, एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद 12 बजे तक कोई कस्टमर आया नहीं, फिर 12 बजे के आसपास एक भाई साहब आए, उसकी मीटिंग में की। उसके बाद 4:30 बज गए तब तक कोई नहीं मिला। फिर वहाँ से तक आ के मैंने छुट्टी ले जाके जियो स्टोर में रख दी। मैं वहाँ बैठा रहा बैठा नहीं। 6 बज चुके थे, पापा जी को कॉल लगा मैं लेने आऊँ, फिर पापा जी ने कहा भाई है किसी गाड़ी के साथ मुझे घर छोड़ देगा तो आ जा रहा हूँ। फिर मैं वापस चले गया आराम से घर के लिए। अभी उस रास्ते के अंदर 6:20 होने वाले हैं, सीधा जा रहा हूँ घर पे। बस यहाँ से थोड़ी सी दूर पे है, हाईवे तो है नहीं, ये कच्चा रास्ता है तो मैं इसे घर की तरफ जाता है। अब हाईवे से एक किलोमीटर दूर है मेरा घर, थोड़ी देर पैदल जाएंगे और भाई हमारे दादा जी का घर है वो पास खड़ी कर देंगे, पैदल पैदल निकल जाएंगे सीधा के साथ दुकान में। छुट्टी थी तो जल्दी आ गया, वरना मैं 7:30-8 बजे आपका घर आता हूँ। छुट्टी थी तो फिर आया हूँ घर पे, तो अभी फिर जाऊँगा मैं खेत में थोड़ा सब्जी। चलो फिर मैं आ गया अब घर पे, पापा जी और मम्मी जी मेरे चाचा जी वो कहीं गए हुए हैं बाहर, अभी मेरे सामने आए तो मैंने उनको बाइक दे दी तो सब चले गए। कल आएंगे शाम को वापस और मैं आ गया घर पे। आज मौसम सुबह से बढ़िया था, यहाँ धूप निकली है तो सबसे पहले जाएंगे खेत पे, वहाँ एक वीडियो बनाएंगे अच्छा सा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे करेंगे पोस्ट, फिर चारा भी लाना बकरी वगैरह चारा भी लेके आ देंगे। आ गए हम तो घर पे, घर थोड़ा सा दूर खड़ा है, बाइक कहीं दूर खड़ी की है तो अब पैदल पैदल जा रहे सीधा घर के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी आ गए हम घर पे, दरवाजा मैंने खोल दिया घर वाला, चलते हैं बकरियों के लिए चारा लाना पड़ेगा, बाइक को साथ में लेके हम घर में जाएंगे। व्लॉग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें भवानी सिंह व्लॉग चैनल को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए।